नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेट काउंसलिंग है, उसकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो आ गई है, कितनी कट ऑफ गई है और किसको कौन सा कॉलेज मिला है। आपने काउंसलिंग करवा ली थी तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑफिशियल साइट jet2020aukota.com पे आपको जाना है। इस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि जेट की फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है वो आ गई है। इस पर जाने के बाद आप देखिए जेट पर क्लिक करिएगा। जेट पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आपके ओपन होगा, कैंडिडेट लॉगिन फॉर कॉलेज एक्सेप्टेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉलेज के बारे में, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कॉलेज मिला है या नहीं मिला। कॉलेज मिला है तो कॉलेज के बारे में आप जान सकते हैं, कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो। और यदि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अपवार्ड लगाना चाहते हो तो अपवार्ड का ऑप्शन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और यदि आप फर्स्ट लिस्ट देखना चाहते हो तो देखिए ये लिखा हुआ जेट 2020 काउंसलिंग फर्स्ट लिस्ट, तो यहाँ से है आप फर्स्ट लिस्ट देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी की कितनी है कट ऑफ गई है। यहाँ पे जाके आप आराम से फर्स्ट लिस्ट देख सकते हो। और जिनको कॉलेज चेंज करवाना हो, अपवार्ड लगाना हो, अपवार्ड की फ़ीस है 800 रुपये, तो उनको अपवार्ड लगा के और कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। और जिनको कॉलेज चेंज नहीं करवाना वो फ़ीस जमा करवाए अपनी, जी दोस्तों फ़ीस जमा करवाए 27 तारीख तक। तो और जिनको अपवार्ड लगाना है वो 800 रुपये अपने ऑनलाइन जमा करवा के और अपवार्ड लगवाए। अपवार्ड क्या होता है कि जो आपको कॉलेज है ऊपर वाले कॉलेज जो ऊपर वाले कॉलेज है आपको जो कॉलेज मिला है उससे जितने भी ऊपर वाले कॉलेज है उनमें से कोई दूसरा कॉलेज हो सकता है आपको मिल जाए यदि उसमें सीट खाली है तो आप अपना रिजल्ट देखिएगा ऐसे, और ये फर्स्ट लिस्ट है वो देख लीजिएगा। इतना ही था आज के वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।